सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी का टेक डॉट में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा, रियलमी एक्स के लिए यहां पर रियलमी यूआई के साथ कलर ओएस 7 का अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। और अगर चैनल के ऊपर पहली बार आया तो यहाँ नीचे लाल कलर का बटन आपको देखने को मिलेगा, जा करके सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल का आइकन आएगा उसको भी दबा करके वीडियो को लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर जो इमेजेस यहाँ पर आई हुई है रियलमी एक्स के लिए, और इस अपडेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के इंस्टॉल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, फिर बता देना मुझे भी कि आपको ये अपडेट कैसा लगा। जो फीचर्स आपने एक्सपेक्ट किए थे वही फीचर्स आपको देखने को मिले, या उससे ज्यादा फीचर्स आपको देखने को मिले, या उससे कम फीचर्स आप लोगों को देखने को मिले। तो यहां पर आप देखिए, न्यू वर्जन डिटेक्टेड कलर ओएस 7 RMX 1901 11C.02, जो कि RMX 1901 जो मॉडल नंबर है रियलमी एक्स का है। डाउनलोड नाउ करेंगे तो यहां पर आपको साइज आप खुद देख लीजिए, 3.4 GB आपको देखने को मिलता है। और नीचे यहां पर रिकमेंडेशंस में अगर आप देखेंगे तो रियलमी यूआई इंक्लूड रिलीज्ड रियलमी यूआई इंक्लूड आइकन एंड बुलेट इन वॉलपेपर एडिड स्क्रीन लाइट इफेक्ट हैड फिक्स सम बग्स, तो यहां पर ये दिया गया था। उसके बाद ये जो इमेजेस है यहां पर अबाउट फोन की अपडेट करने के बाद इंडियन में, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसका, ये जब इंस्टॉल किया तो ये इमेजेस आई अबाउट फोन सेक्शंस की। तो रियलमी एक्स डिवाइस नेम और रियलमी यूआई वर्जन 1.0 आपको देखने को मिलता है, और रियलमी यूआई के साथ कलर ओएस 7 के साथ आपको एंड्रॉयड 10 भी यहां पर देखने को मिल चुका है। साथ में ही स्नैपड्रैगन 710 का जो प्रोसेसर है आप लोगों को मालूम है, और यहां पर आप देखिए मॉडल नंबर RMX 1901 है। उसके बाद यहां पर बात करें जो एक्सपेक्टेड फीचर्स थे, मोस्ट पॉपुलर जो फीचर्स नए आए हैं, वो पहला फीचर्स आपको देखने को मिलेगा रियलमी लैब में। रियलमी लैब में आपको यहां पर ड्यूल ईयरफोन का एक फीचर्स देखने को मिलेगा। कलर ओएस 6 में आपको रियलमी लैब में, हम आपको यहां पर बता दें तो ये रही लिए रियलमी लैब, इसको किया हम लोगों ने ओपन तो आपको सिर्फ डार्क मोड का एक फीचर्स देखने को मिलता था, लेकिन अब जब आप रियलमी यूआई में अपडेट कर लोगे तो आपको एक और नया फीचर्स यहां पर देखने को मिल जाएगा ड्यूल ईयरफोन का, जो कि फीचर्स ये रहा ड्यूल ईयरफोन का फीचर। जब आप इस फीचर्स को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ड्यूल ईयरफोन को एनेबल करोगे तो इसका जो काम है वो आपको बता दूं, मान लीजिए आपने अपने म्यूजिक प्लेयर के साथ या होम थिएटर के साथ अपने जो आपका 3.5 mm ऑडियो जैक होता है उसके साथ सॉन्ग्स लगाए हैं, और आपने यहाँ पर रेडमी के या रियलमी के कोई भी एयरडॉट्स या एप्पल्स के कोई भी आपने ब्लूटूथ से डिवाइस कनेक्टेड किया है तो सिर्फ आपको साउंड ब्लूटूथ में आ जाएगी। अगर आपने दोनों, आप मान लीजिए आपने यूएसबी या ऑक्स केबल और ब्लूटूथ दोनों में एक साथ म्यूजिक चलाना हो तो आपको इस फीचर्स को एनेबल करना पड़ेगा कलर ओएस 7 में, जब रियलमी यूआई का अपडेट आएगा। लेकिन कलर ओएस 6 में ऐसा नहीं होता था, अगर आप ब्लूटूथ चलाते हो तो आपका जो ऑक्स केबल है आपका 3.5 ऑडियो जैक का जो म्यूजिक प्लेयर नहीं चलता था। उसके बाद यहां पर आपको स्पोर्टेड सीनी जो आपको नीचे कुछ इसकी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आप जाकर के पढ़ लेना अगर आपने अपडेट कर लिया है। तो फीचर्स मैंने आपको बता दिए, और जो रियलमी एक्स में अपडेट आया हुआ है उसमें क्या आपको फीचर्स, उसका अपडेट लॉक क्या है, तो यहां पर रिलीज्ड रियलमी यूआई इंक्लूड आइकन एंड बुलेट इन वॉलपेपर, तो यहां पर कलर ओएस 7 तो आ चुका है, उसके साथ यहां पर रियलमी यूआई के जो फीचर्स थे उनको यहां पर इंक्लूड किया गया। तो पहला जो रियलमी यूआई का आइकन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, बुलेट इन वॉलपेपर जो वॉलपेपर्स थे उनको यहां पर इंक्लूड किया गया है, और सेटिंग्स में यहां पर आपको एडिड स्क्रीन लाइट इफेक्ट फीचर्स वो भी सेटिंग्स में ऐड कर दिया है। ये फीचर्स आपको मैं इस
चेंज लॉग के बाद बताता हूँ। और जो बग्स थे यहाँ पर कि आपकी जो पिक्चर्स थी क्योंकि वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जा रही थी, उसको यहाँ फिक्स किया गया है। और डार्क मोड जो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन स्टार्ट हो जा रहा था, अनेबल हो जा रहा था, उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। और यहाँ पर जो फिक्स था इशू ऑफ द बॉटम फ्लोटिंग, आपका जो बॉटम था यहाँ पर खुद ब खुद फ्लोट हो रहा था, उसको यहाँ पर फिक्स किया गया है। और आपका जो फुल स्क्रीन का बग्स था उसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद फैंस यहाँ पर बात करें तो कुछ इस टाइप का जो चाइनीज अपडेट है आपको रियलमी एक्स में मिला हुआ, तो कुछ इस टाइप की आपको बैक की बैकग्राउंड की जो इंटरफेस है देखने को मिलता है। देखिए फैंस यहाँ पर रियलमी एक्स की डिवाइसेज है और वर्जन 1.0 मॉडल नंबर आप देख लीजिए RMX1N01 है। तो कुछ इस टाइप का आपको अपडेट देखने को मिलेगा, लेकिन चाइना में जो बीटा रिलीज हुआ है उसमें आपको बैकग्राउंड इमेजेस कुछ इस टाइप की यहाँ पर देखने को मिली है। उसके बाद जो आपको आइकन्स और होम स्क्रीन देखने को मिलेगी, तो ये रही पूरे आइकन्स और होम स्क्रीन आपको कुछ इस टाइप की यहाँ पर देखने को मिलेगी रियलमी एक्स में। यहाँ पर आइकन्स भी आप देख लीजिए, थोड़े थोड़े यहाँ पर चेंजेस आपको आइकन थोड़े क्या यहाँ पर आइकन्स के जो साइज है, उनके जो कलर्स हैं, उनकी जो पीएनजी इमेजेस है वो भी यहाँ पर चेंज कर दी गई हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन पैनल तो आपको मालूम ही है कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, बट नोटिफिकेशन पैनल आप देखिए कुछ इस टाइप का है। और यहाँ पर आपको ओप्पो होम, एयरटेल एट और जो मेरे हिसाब से जो अपडेट जब सबके लिए स्टेबल में रोल आउट होगा तो यहाँ पर आपको वाईफाई कॉलिंग की सपोर्ट मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अभी तक कुछ कन्फर्म न्यूज नहीं है। और ये रहा आपका जो लाइट इफेक्ट का, स्क्रीन लाइट इफेक्ट का जो फीचर्स है वो ये रहा। जब आपको कॉल आएगी तो आपकी जो ये एजेस हैं पूरी स्क्रीन के, तो यहाँ पर आपकी जो लाइट्स है वो भी ऑन ऑफ होने लगेंगी। तो आप देखिए पहले आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता था, लेकिन जब कॉल आएगी तो आपकी यहाँ पर यहाँ यहाँ से भी लाइट आपकी ओपन अनेबल होने हो जाएगी। आप इसको अनेबल यहाँ पर कलर्स भी आपने अपने रख सकते हो, तो अच्छी बात है ये फीचर यहाँ पर रियलमी प्रोवाइड करवा रहा है। और आइकन्स की बात करें तो आइकन स्टाइल आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हो, आपको किस टाइप का आइकन पैक चाहिए। और यहाँ पर आप तो कस्टम अपना आइकन पैक भी लगा सकते हो, कस्टम अपने हिसाब से जिस टाइप का आपको आइकन पैक चाहिए। आप देखिए फैंस यूज आर्ट प्लस आइकन, तो यहाँ पर आप डिफॉल्ट भी रख सकते हो, मटेरियल स्टाइल भी रख सकते हो, प्रेबल भी रख सकते हो, और कस्टम जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से वो रख सकते हो। तो ये कुछ अपडेट्स थे और फीचर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बट मेरे को यहाँ इसकी होम स्क्रीन बहुत बढ़िया लगी। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, नीचे यहाँ पर रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टेक डॉट।